Hello everyone, I'm Raghi and in this session I'm going to discuss with you the question number 1, which is on page number 9, chapter 1, Matter in Our Surrounding. So let's see what is the question. It's class 9. So the question is, convert the following temperature to Celsius scale. ठीक है, हमें दिया हुआ है 300 Kelvin and the second is 573 Kelvin. So there is a one formula which is Kelvin equals to degree Celsius plus 273.16. It's a general formula. Means, अगर मुझे degree Celsius में अगर मुझे temperature दिया हुआ है, if temperature is given in degree Celsius, तो उसको Kelvin में change करने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे degree Celsius में add करना होगा 273.16. It's the general formula. अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है 300 केल्विन, सो मुझे केल्विन को किसमें चेंज करना है? डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है. ओके, सो कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल. तो मुझे इन टेम्परेचर्स को सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है. सी, ओवरहेड इज 300 केल्विन, सो 300 केल्विन इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.16. सो डिग्री सेल्सियस में हमारा टेम्परेचर क्या आ जाएगा? इट वुड बी 300 माइनस 273.16. सी, 0.16 इज वेरी नेग्लिजिबल, सो आई कैन इग्नोर दिस पार्ट. सो इट बिकम्स 300 माइनस 273 विच इज इक्वल्स टू 27. ठीक है, सो अगर मैंने 300 केल्विन को चेंज किया है डिग्री सेल्सियस में, सो इट वुड बी 27 डिग्री सेल्सियस. सो आंसर क्या है? 27 डिग्री सेल्सियस. ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ कमिंग टू द बी पार्ट, सेम वही रिपीट करना है. 573 केल्विन इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.16. 16 को इग्नोर कर सकते हैं. तो डिग्री सेल्सियस में हमारा टेम्परेचर क्या आ गया? इट इज 573 माइनस 273 विच बिकम्स 300. ओके, सो 573 केल्विन को जब मैंने डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट किया, सो आंसर आया 300 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, सो 300 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 573 केल्विन, और वी कैन से 573 केल्विन इज इक्वल्स टू 300 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा. सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट एंड आई एम राखी सेइंग यू ऑल नाउ गुड बाय एंड टेक केयर.